जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिल पाया है, तो इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन्हें भी वह सब सारी सुविधाएं मुहैया होंगी, यह भी आप आश्वासन दे सकते हैं। हमारे आश्वासन पर इस समय हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है, और आपने देखा होगा इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, जब भी चुनाव का समय आता था जनता को आश्वासन देती थी, वादे करती थी, लेकिन अपने आश्वासन और वादों को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कृति और कथन में कहीं पर कोई अंतर नहीं। कांग्रेस ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए थे आश्वासनों के कारण कि लोग कहते थे इन नेताओं का तो काम ही है कि जनता के बीच जाते हैं, चुनाव आता है, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद और सरकार बन जाने के बाद अपने आश्वासनों को, अपने वादों को पूरा नहीं करते। एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह भारत की राजनीति में पैदा हुई थी, और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के संकट को पहली बार यदि किसी ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहता हूं, आप यदि हमारी विश्वसनीयता का टेस्ट लेना चाहते हैं, उठा लीजिए हमारे सारे चुनावी घोषणा पत्रों को। बहनों भाइयों, चुनावी घोषणा पत्र में जो जो भी वादे किए हैं, अक्षरशः हम लोगों ने हर वादे को पूरा किया है, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो हमने पूरा नहीं किया। 2014 में मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, चुनावी घोषणा पत्र जब बन रहा था, मोदी जी बार बार कहते थे राजनाथ जी देख लीजिएगा कोई ऐसा वादा नहीं किया जाना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सके। माने हमारे प्रधानमंत्री को इस हद तक चिंता थी कि हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह किसी भी सूरत में न लगे। और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी यदि किसी को बनाया जाना चाहिए तो राजनाथ सिंह जी को ही बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा था धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, डंके की चोट पर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था हम तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे, तो लोग ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटकर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। यदि हिंदू मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी यदि हमारी बहन है तो मुस्लिम मां की कोख से भी पैदा हुई बेटी हमारी बहन है, ईसाई मां की कोख से भी पैदा हुई कोई बेटी हमारी बहन है। हम इस नजरिए से देखते हैं, हम कैसे किसी को इस डर के मारे कहीं हमारा वोट न खिसक जाए, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि शादी होने के बाद आप कहीं बैठे रहिए, तलाक 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 तीन बार बोल दीजिए और उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती मेरे बहनों भाइयों, और हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा किया। बार बार प्रारंभ से ही हम लोग 1984 से 1984 से कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको अवसर मिल जाएगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत होती नहीं। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।